इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़ रांची झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। हमारे जीवन में चारे तो नहीं जगेगा, अंदर से वो आवाज भी हमें सुनाई नहीं देगी, अंदर का वैभव दिखाई नहीं देगा, अंदर का प्रकाश नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो नेत्र हमारे पास नहीं है जिस नेत्र से अंदर का वैभव दिखता है, हमारा परमात्मा दिखता है। आत्मा और परमात्मा को देखने के लिए ये चर्म के नेत्र नहीं चाहिए, वही तीसरा नेत्र चाहिए। और जिन जिन का तीसरा नेत्र खुल जाता है वो परमात के पथ पर चल करके परमात्मा बन जाते हैं और बन गए हैं। ये मोक्ष मार्ग, ये दिन धर्म तीसरे नेत्र से नजर आता है, क्योंकि ये बाहर के नेत्र तो हमें अनेक बार मिले हैं, हमने कितने भावों में नेत्र पाए हैं, लेकिन नेत्रों से क्या देखा है? नेत्रों से कुछ नहीं देखता, संसार का दिग्दर्शन हुआ है। इन नेत्रों से देख करके हमने क्या देखा? संसार की कामनाएं और वासनाएं देखी हैं, राग रंग देखे हैं, रंगीन दुनिया देखी है, लेकिन धवलता नहीं देख पाए। देख करके हमारे जीवन में कृष्ण नील कापोतलेश बने हैं, देख करके हमें राग जगा है और राग से हमने कर्म का बंध किया है, पदार्थ का आकर्षण लुभाया है मुझे संसार में, और संसार के आकर्षण में हम बार बार चले जाते हैं, नेत्रों से देख देख करके अपना मान लेते हैं। हमने किसी पदार्थ को देखा और आकर्षित हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उससे हम बदने की आदत डालते हैं, चिपकने की आदत डालते हैं। तत्त्व होकर के देखा ही नहीं हमने, कभी भी आत्मदृष्टा बन करके नहीं देखा संसार को, ज्ञाता दृष्टा बन करके नहीं देखा। अगर ज्ञाता दृष्टा बन करके देखा होता तुम बैरागी होते, अभी तक परमात्मा बन गए होते। इसलिए अंदर के नेत्र को खोलो। इस समयसार में यही बात तो कही गई है, ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान क्या है। समयसार कह रहा है जो ज्ञानी देख करके भी पदार्थों से चिपकता नहीं है, जो पदार्थों से चिपकता नहीं है वही ज्ञानी है, जो पदार्थों में चिपक जाता है वही अज्ञानी है, जो संसार की दुनिया में रच पच जाता है वह अज्ञानी है, और जो संसार में रह करके भी संसारी नहीं होता है, संसार में रह करके भी संसारी नहीं होता है, जो अपना जीवन जीता है कमल की तरह, जो कीचड़ की तरह नहीं जीता है, कमल खिल गया संसार में रह करके, बस सम्यक दृष्टि का जीवन भी ऐसा होता है। एक सम्यक ज्ञानी, एक संत, एक धर्मात्मा का जीवन ऐसा ही होता है, सौ समय का जीवन ऐसा होता है कि वह संसार में रह करके कमल की तरह जीवन जीता है, अलिप्त जीवन जीता है, निर्लिप्त जीवन जीता है। इसलिए हमें निर्लिप्त जीवन जीने का प्रयास करना है, ये मनुष्यभव मिला है तो हम निर्लिप्त होकर के जीवन जिए। ऐसा मेरा कि जब हम निर्लिप्त होकर के जीवन जीते हैं, और निर्लिप्त जीवन ही संत पुरुष का जीवन है,
ध्यान रखना, हम घर में रह करके भी जीवन जी सकते हैं, ऐसा नहीं। आप राज पाठ के बीच में रह करके भी जीवन जी सकते हैं, बस दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, उस नेत्र को खोलने की आवश्यकता है। धन्य है भरत जैसा वैरागी। भरत जैसा वैरागी राजमहलों में रहा, लेकिन राजमहलों में रह करके भी उसके जीवन के अंदर में राजमहल नहीं रहा। राजमहल अंदर नहीं था। सबसे बड़ा वैरागी अगर हुआ है तो भरत हुआ है। भरत जैसे घर में रह करके महात्मा का जीवन जीने वाला। ध्यान देना, ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। घर में रह करके सर्वोच्च उदाहरण जो दिया जाता है, वो सर्वोच्च उदाहरण अगर मिलता है, आज हम जिनको जानते हैं, वह भरत का जीवन हमें सिखाता है कुछ। ऐसा नहीं कि भरत चक्रवर्ती का जीवन भी सिखाता है कि छह खंड में राज करके भी सावधान सजग पहरी सब कुछ रहे। ऐसे भी हैं, और भी अनेक पुरुष हुए जो हमें, जिनका जीवन रहा है नपातुला जीवन रहा है, नपातुला जीवन, कि नहीं बस हो गया। ऐसे से लोग भी हुए हैं। क्यों? ये सब चिंतन के ऊपर निर्भर है। आप भी जीवन जी सकते हैं, आप भी जीवन जी सकते हैं, आप भी पदार्थों के बारे में समझ सकते हैं। आवश्यकता नहीं चिपकने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। आप घर में रहते भी हैं, ठीक है, व्यवहार से उपचार से हम कह सकते हैं, विजातीय सद्भूत नहीं की अपेक्षा से कथन लगा सकते हैं कि हमारा है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से तो हम सोच सकते हैं कि हमारा नहीं है। निश्चय दृष्टि से सोच सकते हैं कि हमारा नहीं है, सद्भूत की दृष्टि से भी हमारा नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं। तो ये भाव अंदर में लाने में, ये भाव ला सकते हैं बैठ करके, और ये जागृति है, यही जागृति है, इस प्रकार की भावना अंदर में रहना कि सत्य है, इस सत्य है कि हमारा नहीं है, इतना स्वीकार करने में क्या जा रहा है। इस सत्य है कि स्वीकार करने में कुछ नहीं जा रहा है कि हमारा नहीं, ये बात सत्य है, आपको मालूम है। अंदर से आभास होना चाहिए, अंदर से ऐसी आवाज आना चाहिए, एक ऐसी भावना जीवन में आना चाहिए, और तब मालूम चलता है कि जीवन में जब कुछ ऐसा घटित हो जाता है उस समय भी हम उदास रहते हैं कि कुछ नहीं, ये मेरा था ही नहीं, ये मेरा था ही नहीं, और जो मेरा नहीं था तो मैं किसके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं। पुत्र बीमार था, बहुत इलाज कराया, वह सम्राट उसी समय उसको नींद आ गई, स्वप्न में देख रहा है, वहां भी बहुत सारे पुत्र थे, और नींद खुलती है तो देखा और इधर पुत्र चला गया। रानी ने पूछा, क्या बेटा चला गया, आंसू नहीं आए, क्यों, किसके लिए रो, उनके लिए किसके लिए, किसके लिए। अनेक भाव हमने धारण किए, अनेक भाव में संबंध बनाए हैं, अनेक भाव में हमने छोड़े हैं, और ये सत्य बात है, हम छोड़ेंगे। हम जिस महल में रह रहे हैं उसके पहले उसमें और भी रहते थे, वो भी चले गए, और भी रहते थे, इस सत्य बात तो हम जानते हैं, तो क्या इसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। वो महल लेकर के ना वो गए हैं, ना हम लेकर के जाएंगे, एकदम सत्य है। और जब लेकर के नहीं जाएंगे तो कम से कम ज्ञान आत्मा कितनी परिणति तो रखो कि हमारा नहीं है, ये बात सत्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये हमारा नहीं है, ये संबंध है, संयोगी संबंध है, ये संबंध हमारा नहीं है, संयोग संयोग है, संयोग संयोग है, और संयोग का मतलब ही है वियोग लेकर के आया है, तभी तो संयोग है, तो संयोग को संयोग मानो कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन संयोग को अपना स्वीकार करके आसक्ति रूप परिणाम कर लेना और आर्ता ध्यान कर लेना संयोगी द्रव्य के माध्यम से, ये अज्ञानता है।
ये पदार्थ मेरे पास है और पदार्थ खो गया तो बुद्धिमान क्या करेगा, ज्ञानी क्या करेगा? एक अज्ञानी तो रोएगा, आर्थ ध्यान करेगा और एक आर्त ध्यान का विषय बनाएगा और एक धर्म ध्यान का विषय बनाएगा। देखना दोनों में कितना अंतर है। पदार्थ वही है, पदार्थ वही है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक आर्तत परिणाम करके अपने जीवन में नाना कर्मों का बंद कर लेता है और एक धर्म ध्यान करके कर्मों की निंजना कर लेता है। एक ही घटना है और एक ही घटना के माध्यम से ज्ञानी अज्ञानी की पहचान वहां हो जाती है कि ज्ञानी उसके माध्यम से वैराग में परिणत हो जाता है और अज्ञानी तीव्र राग के माध्यम से आर्त ध्यान में परिणत हो जाता है। यही दोनों में अंतर है। रानी सहदेवी का यही तो है कि बेटा चला गया आर्त ध्यान कर बैठी, और एक वो है बेटा चला गया धर्म ध्यान कर लिया, धर्म ध्यान कर लिया। किसी भी कर्म का उदय आया आया, ये बात सत्य है, कर्म का उदय आया है, मेरे पाप कर्म का उदय है। और एक पाप कर्म के उदय में एक अज्ञानी रो रहा है, वेदना नाम के अर्थ ध्यान में चला गया अथवा इष्ट वियोग के अर्थ ध्यान में चला गया, और एक धर्म ध्यानी विपाक विचय धर्म ध्यान में चला गया। किसमें? विपाक विचय धर्म ध्यान में। और विपाक विचय धर्म ध्यान में चला गया तो उससे विशुद्धि भी बढ़ी, पुण्य का संचय भी हुआ, कर्मों की निजरा भी हुई, ऋणमुक्त हुए। यही तो मुझे सोचना है, परिणति को बदलना है। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में है। वो यही हमारे हाथ में है। वास्तव में वस्तुति का परिणमन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा परिणमन हमारे हाथ में है। संसार की घटनाएं हमारे हाथ में नहीं घटित होंगे, वो हमें कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन हम अपने को बदल सकते हैं, अपने परिणमन को बदल सकते हैं, अपने चिंतन को अच्छा कर सकते हैं, अपनी सोच को अच्छा कर सकते हैं, अपने भावों को उज्जवल बना सकते हैं। बस यही अंतर है, यही जीवन में अंतर है। एक विद्युत चोर जैसा चोर जम्मू स्वामी के दृश्य को देख करके बदल गया। क्यों? चोर था लेकिन दृश्य को देख करके बदल गया, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दृश्य के देख कर को बदला तो स्वयं ने, है ना, कि हम कहाँ और ये जीव कहाँ, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। बदलाव ऐसे आता है जीवन में, बदलाव किसी भी घटना पर आ सकता है, किसी भी निमित्त, छोटा सा निमित्त भी हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकता है, बड़ा सा निमित्त भी परिवर्तन कर सकता है। हम महापुरुषों के जीवन में देखते हैं, पढ़ते, किसी के भी जीवन में देखते हैं, किसी घटना को देख करके, कोई तारामंडल को देख रहा है, कोई मेघों को देख रहा है, कोई संसार के दृश्य को देख रहा है, अनेक प्रकार के दृश्य को देख करके, कोई बालों को देख रहा है, कोई दर्पण में मुख देख करके, क्या हुआ? आज भी अनेक संत पुरुष संसार की घटनाओं को देख करके बैरागी हुए। आप भी वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन बैठ करके थोड़ा सा समय निकालो और एक सच्चाई को पढ़ो। अपने जीवन की समीक्षा करना चाहिए, दिन भर में क्या हुआ, शाम को बैठ करके समीक्षा करो जीवन की कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया है। अच्छा किया है उपलब्धि हुई है, बुरा किया है उसका संकल्प पूर्वक त्याग करो और अब मुझे ये नहीं करना है, सावधानी रखो, समीक्षा करो। ललित भैया बैठ करके समीक्षा तो करना चाहिए, जैसे हम कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं ना बैठ करके, हमारा विधान कैसा हुआ, अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, चारों ओर चर्चा है, इतना सुंदर, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर आयोजन, इतना प्रभावपूर्ण हुआ है। सुरेंद्र ज्ञानी ऐसे हम जिस प्रकार सुंदर आयोजन हुआ, ऐसे हम भी अपने जीवन में संकल्प कर सकते हैं कि अपने जीवन का आयोजन भी मुझे सुंदर करना है। क्या करना है? जिस प्रकार हमने प्रयास करी उसमें आप लोगों ने सुंदरता देने की प्रयास की, सब चर्चा होते हैं, ऐसे हम जीवन को भी एक सुंदरता देने का प्रयास करें, उसके बैठ करके शाम को समीक्षा करो। सुबोध ज्ञानी क्या करो, किसके
जीवन के घटना चक्र की, हमने एक दिन में क्या किया है, दो दिन में क्या किया, वर्ष में क्या, बैठ करके समीक्षा तो करना चाहिए। और समीक्षा करने से सावधानी आती है। क्या आती है? सावधानी। देखिए, हम वैसे तो अपनी नहीं पकड़ पाते गलतियाँ, लेकिन जब समीक्षा करेंगे तो मुझे याद आएगा कि फलाने फलाने को हमने अपशब्द बोल दिया था, ठीक नहीं किया, हम उस पर नाराज हो गए थे, नहीं हमारा स्वभाव नहीं है, क्यों हो गए थे व्यर्थ में, अहंकार आ गया था मुझे, ये भाव कब आएंगे? जब हम समीक्षा करेंगे। ये भी पुरुषार्थ है, मैं समीक्षा की बात कर रहा हूं, ये पुरुषार्थ ही है। ये पुरुषार्थ करोगे परिणाम बदलेंगे, फिर परिणाम सहज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वास्तव में पुरुषार्थ से परिणाम सहज हो जाते हैं, ये कह रहा हूं। इसलिए कि समीक्षा बहुत जरूरी, समीक्षा भी एक पुरुषार्थ है, बैठ करके करना। हम इसको सामायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामायिक कहते हैं। और आप भी बैठ करके समीक्षा करो, पल दो पल निकालो, समय, थोड़ा सा समय निकाल करके। हम घर में जब बैठते हैं, अपने आप में बैठते हैं, तो थोड़ी सी हमें समीक्षा करनी चाहिए। आँख बंद करके बैठो, चाहे आँख खोल करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर में बैठो। लेकिन कहाँ बैठो? अंदर में बैठो, और अंदर में बैठ करके समीक्षा प्रारंभ करो, जीवन की समीक्षा। समीक्षा से समाधान मिलते हैं, सावधानी आती है। क्या मिलते हैं? समीक्षा से समाधान मिलता है, सावधानी भी आती है, सजगता आती है जीवन में। और यही सजगता होना ही आत्म जागृति है। बस हम उसी ओर बढ़ें, इसी बात को हमें अपने जीवन में उतारना है, चिंतन में लाना है। निरंतर हम बढ़ते रहें, अपने अंदर के नेत्रों को खोल करके। अंधों की लिस्ट में नहीं आना मुझे, आँख वालों की लिस्ट में आना है। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़ रांची झारखंड।